जय हिंद दोस्तों, नैलेट BHU में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूँ M2 R5 का 7वां क्लास। इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट एक्सपर्ट बना दूंगा फॉर्म के बारे में। फॉर्म होता क्या है एक्चुअल में, पहले ये समझ लीजिए फॉर्म का मैं यूजेस क्यों करता हूँ। तो फॉर्म का मैं जो यूजेस करता हूँ, अपने वेबसाइट के जरिए यूज़र के माध्यम से मैं डेटा अगर मुझे कलेक्ट करना है, जैसे कोई फॉर्म वगैरह कोई फिल करता है तो डेटा क्या होता है एक्सेप्ट किया जाता है कहाँ पे, वेबसाइट के जरिए एडमिन के पास। तो फॉर्म आपका एक ऐसा माध्यम होता है कि डेटा एक्सेप्ट करने का वे बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि फॉर्म होता क्या है, उसके अलग अलग एलिमेंट क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, कितने तरीके से आप फॉर्म को कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हो, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम सेट क्या होता है, और भी बहुत कुछ, किस प्रकार से आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम और फ्रेम में डिफरेंसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फॉर्म। फॉर्म जो होता है हमारा डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे अगर मुझे इनपुट यूज़र इनपुट डेटा बनाना हो कि मैं चाहता हूँ यूज़र के द्वारा मैं डेटा को कलेक्ट कर सकूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मुझे अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना हुआ या मेल आईडी वगैरह आप किसी को साइनिंग करना हुआ या अपना कोई डेटा उसमें रखना हुआ या क्रेडिट कार्ड वगैरह में यूजेज आप करते हो फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जब भी मुझे अगर फॉर्म क्रिएट करना होगा या फॉर्म बनाना होगा तो मुझे फॉर्म टैग का यूज़ करना होता है। फॉर्म टैग के लिए आपका सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ पे, आपका ओपन फॉर्म टैग होगा और कुछ एलिमेंट बनाने के बाद आपका फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इस हिसाब के लिए हमारा फॉर्म सबसे हेड माना जाता है, इसीलिए फॉर्म को अलग अलग तरीके से आप कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं किस हिसाब से कैसे कंट्रोल करते हैं। HTML फॉर्म के जरिए अलग अलग टाइप, अलग अलग ऐसा कंट्रोल होता है जिसके ज़रिए आप इनपुट ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपका आ जाएगा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ये टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल ऐसा होता है कि आपका बॉक्स बन के आएगा, उसमें आप अपना टेक्स्ट वगैरह फिल करके यूज़र के माध्यम से आप जो डेटा फिल करेंगे वो एडमिन या साइट के पास चला जाएगा। दूसरा आपका रहेगा चेक बॉक्स। आप जैसे कोई चेक बॉक्स में आप ऑप्शनल चेक करते हैं कि मुझे इतने टॉपिक या इतने सब्जेक्ट वगैरह एक्सेप्ट कराने हैं, तो हमारा चेक बॉक्स हो जाएगा। रेडियो बटन, ये रेडियो बटन आपका, रेडियो बटन मींस स्मॉल, आपका केवल टिक करने के योग्य रहेगा, जो कि केवल चेक बॉक्स के जैसा रहेगा लेकिन थोड़ा सा इसके अलग रहेगा। अगला आपका रहेगा सेलेक्ट बॉक्स मीन्स सेलेक्शन बॉक्स। आपको पर्टिकुलर अगर ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया या सिटी वगैरह हो गया, उसमें से एक सिलेक्शन आपको करना है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे आपको अपना सेंटर चॉइस करना है, तो वहाँ पे आप सेलेक्शन या सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज़ आप करते हो। फाइल सेलेक्ट बॉक्स का यूज़ आप करते हैं किस लिए, अलग अलग तरीके से आप कोई इमेज अपलोड करना या साइन या थंब, अलग अलग टाइप के आप फाइल को अपलोड करने के लिए या फाइल सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। कुछ हिडन कंट्रोल करने के लिए हम हिडन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। क्लिकेबल बटन बनाने के लिए मुझे क्लिकेबल बटन मीन्स बटन अगर मुझे तैयार करना हो तो मुझे क्लिकेबल बटन तैयार कर सकता हूँ इसी फॉर्म के ज़रिए। आइए मैं एक एक करके आपको इस फॉर्म कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, अगर मुझे लिखा हुआ मैटर एक्सेप्ट कराना है मीन्स देना है या किसी को सेंड करना है, तो वहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये भी आपका तीन तरीके से बांटा जा सकता है। सबसे पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट, दूसरा आपका पासवर्ड और तीसरा आपका मल्टी लाइन। सिंगल लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये इनपुट टैग तो इस्तेमाल होगा लेकिन इसमें जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया या सर्च बॉक्स वगैरह आप बनाते हो, तो ये आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल कहलाएगा। जैसे आप यूज़र आईडी बनाते हो तो वो भी आपका एक सिंगल लाइन कहलाएगा। लेकिन यूज़र आईडी अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जो केवल स्टार से शो करता है। आपका पासवर्ड क्या लिखे हो या क्या डाले हो आप, वो शो नहीं करेगा। तो इस चीज़ के लिए आपका पासवर्ड इनपुट कंट्रोल बनाया जाता है, जो कि आपका जो भी करेक्टर आप यूज़ करोगे वो करेक्टर आपका वहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा, वो हिडन ही रहेगा।
अगला आपका है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। यह एक ऐसा इनपुट कंट्रोल होता है जो कि टेक्स्ट एरिया, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आपको कमेंट वगैरह देना है या अपना कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है, तो आप किस तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहोगे या अपना कुछ सजेशन देना चाहते हो या फीडबैक देना चाहते हो, तो इस मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के जरिए आप अपना सजेशन, फीडबैक या रिक्वेस्ट या कोई भी प्रकार का आप लॉन्ग सेंटेंसेस आपको आप इसमें लिखने के लिए सक्षम रहोगे। आइए टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाके आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का देखिए कोडिंग ये रहा, मैं पहले से कोडिंग करके रखा हूँ जिससे समय आपका मैं बचा सकूँ। देखिए फॉर्म आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर्म आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं अपने पेज पे, वेब पेज पे, तो आपको फॉर्म टैग से इसका स्टार्टिंग होगा, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर्म टैग। ये फॉर्म टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसके बाद मैं यूज़र को शो करा रहा हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं इनपुट का इस्तेमाल, इनपुट टैग का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनपुट टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसके अंदर मैं इसका एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट जो मैं करूँगा केवल और केवल टेक्स्ट होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, टाइप इसका एट्रीब्यूट जो रहेगा हमारा टेक्स्ट रहेगा। और नेम यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है, मीन्स जब भी मैं यहाँ से अगर यूज़र के द्वारा मैं कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ, आइए पहले इसका बॉक्स के जरिए समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप देखिए इस एग्जांपल में जो मैं इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट नेम है ये यहाँ पे शो रहेगा, जिससे यूज़र कोई इनपुट करेगा उसको ये पता चलेगा कि इसमें इनपुट करना क्या है, ठीक है। अब लेकिन जब इसमें यूज़र इनपुट अगर कोई कर देगा तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए जहाँ ये जाएगा, जहाँ ये डेटा जाएगा वहाँ भी तो ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, आखिर ये कैसा डेटा रखा गया है। इस वजह से यहाँ पे ये डेटा इस बॉक्स का नाम, मीन्स इस बॉक्स में किस टाइप का आपका डेटा रहेगा, टेक्स्ट तो रहेगा, वो उसका एट्रीब्यूट हो गया, उसका टाइप हो गया, लेकिन जब भी वहाँ पे अगर कहीं जाएगा या कहीं सेंड होगा तो उस बॉक्स में किस टाइप का आपका डेटा है जो कि पहचान में आएगा, तो नेम क्या रहेगा उसका, फर्स्ट नेम रहेगा। मीन्स इस बॉक्स में जो भी कुछ आपका डेटा रहेगा, जो भी कुछ लिखोगे आप वहाँ पर जाने के बाद ये फर्स्ट नेम से जाना जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेम का इस्तेमाल करता हूँ। आइए एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बीआर टैग का यूज़ किया, मीन्स लाइन को ब्रेक करने के लिए मैं लाइन यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे लास्ट नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट नेम लिखने के लिए। फिर यूज़र आईडी मैं एक बना रहा हूँ नया, एक तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मैं यूज़र आईडी बनाने के लिए मैं नाम दे दिया यूज़र आईडी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो जैसे आप जो भी फिल कराना चाहते हो। और यहाँ पे आपका इनपुट टाइप आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट ही दे रहे हो इसलिए आपका टेक्स्ट रहेगा, और नेम में आपका क्या रहेगा, यूज़र आईडी आप दे रहे हो इस वजह से यूज़र आईडी वहाँ पे जाएगा सर्वर के पास। इसके बाद फिर आप लाइन को ब्रेक किए। अब पासवर्ड के लिए देखिए यहाँ पे इसका टाइप एट्रीब्यूट केवल चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका टाइप एट्रीब्यूट वहाँ पे शो नहीं करना चाहिए, आपका हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए, वो हाइड रहना चाहिए, इस वजह से इसका टाइप एट्रीब्यूट आप पासवर्ड यूज़ करोगे अगर आप पासवर्ड बॉक्स बनाना चाहते हो तो। और मैंने इसमें बताया कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन या फीडबैक वगैरह आप सेक्शन बनाना चाहते हो तो आप वहाँ पे टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करोगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जैसे मुझे बनाना है तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट एरिया, टैग मैंने यूज़ किया टेक्स्ट एरिया। अब उसका रो मैं जो दे रहा हूँ वो 5 दे रहा हूँ, और कॉलम मैं क्या दे रहा हूँ 50, ये आप अपने आवश्यकता अनुसार दे सकते हो कि मुझे 4 रो या 80 कॉलम का चाहिए, या जितना आपको रो या जितना आपको कॉलम चाहिए वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे नेम में क्या रहेगा, सर्वर के पास क्या जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा, मीन्स उस बॉक्स में जो भी कुछ लिखा रहेगा वो डिस्क्रिप्शन के नाम से यूज़ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है एक थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया गया है जिससे यूज़र कोई वहाँ पे शो करे कि इसमें लिखना क्या है, डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है, मीन्स इसमें इंटर डिस्क्रिप्शन है, मीन्स डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना, एक यूज़र को आप यहाँ पे मैसेज दे रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि इस तरह से उसको ईजी बना रहे हो कि वो डेटा को किस तरीके से उसमें लिख सकता है। टेक्स्ट एरिया को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद फॉर्म को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आइए इसको मैं रन कराता हूँ तो आपको आउटपुट देखिए क्या मिलता है। इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के साथ साथ मैं नाम जो यूज़ करूँगा .html यूज़ करूँगा, जब भी मैं इसको सेव करूँगा नाम मैं यूज़ करूँगा html, तो मैं पहले से इसको सेव करके रखा हूँ, तो जब भी कोई भी नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ .html लगाऊंगा तो हमारा वो वेब के फॉर्म में
सेव हो जाता है, जिससे वो हमारा केवल और केवल वेब ब्राउज़र पे ही खुलेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग सीरीज से देखें, हमारे स्टार्टिंग सीरीज में चले जाएंगे, तभी आपको ये पूरी तरह की समझ में आएगा। आइए देखिए इसका आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट देखिए, जो मैं यहाँ पर कराया हूँ, तो हमारा सबसे पहला नेम आपका जा रहा है यहाँ पर, जो नाम आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर अपना ही आशीष, और लास्ट नेम मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पर मौर्य। अब यूज़र आईडी मान लीजिए मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो यूज़र आईडी मैं यहाँ पे कुछ बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं पासवर्ड, देखिए जो भी कुछ मैं दूंगा वो हमारे स्टार के फॉर्म में शो करेगा, ये शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसका टाइप एट्रीब्यूट जो यूज़ किया हूँ वो केवल पासवर्ड यूज़ किया हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है, ये मुझे डिस्क्रिप्शन बोला है यहाँ पे लिखने के लिए, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, हाय वेलकम टू द नील इट बी एच यू चैनल। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके आगे देखिए और भी तरीके का जो आपका यूज़ में रहेगा वो मैं बताऊंगा। ये आपका केवल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। चेक बॉक्स कंट्रोल बनाने के लिए आपको इनपुट टैग का ही इस्तेमाल करेंगे। चेक बॉक्स आप क्यों बनाते हैं, अगर मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शन को चॉइस करना है तो वहाँ पे मैं चेक बॉक्स बनाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप हाई स्कूल इंटर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट च्वाइस करना है, तो वहाँ पर आप मोर देन वन सब्जेक्ट आप च्वाइस करते हैं, इस वजह से आप वहाँ पर चेक बॉक्स बनाते हैं। तो इसमें जो आपका यूज़ रहेगा, इनपुट टैग तो इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन इसका जो एट्रीब्यूट रहेगा वो चेकबॉक्स हो जाएगा। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल में मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, फॉर्म आपका वैसे स्टार्ट रहेगा, आप यहाँ पे सब कुछ वही पुराना रहेगा लेकिन यहाँ पे बस टाइप एट्रीब्यूट आपका चेंज होगा। टाइप एट्रीब्यूट में से आपका प्रॉपर्टी हो जाता है। अगर ये बेसिक चीज़ आपको नहीं पता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग सीरीज से देखिए। इनपुट में आपका टाइप एट्रीब्यूट जो यूज़ कर रहे हैं वो चेकबॉक्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नेम में आप यूज़ कर रहे हैं मैथ, मीन्स जो एक चेकबॉक्स बनाया जाएगा उसमें अगर वो टिक किया जाएगा उसका मतलब ये मैथ को सपोर्ट कर रहा है। वैल्यू क्या हो, ऑन हो, कब, जब उस पर क्लिक किया जाए तो ये आपका क्या मैथ उसके अंदर इंसर्ट चला हो जाए और जिससे वो सर्वर में पहुँच जाए और आपका च्वाइस मैथ हो जाए, और ये डिस्प्ले पर कराने के लिए आप मैथ यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा लिए भी लिख रहे हो। अगर इस प्रकार से आप ढेर सारा और भी लिखना चाहते हैं या और ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसका नाम बस केवल आपको बदलना होगा। जो चेकबॉक्स आपका है सब कुछ यही है। यहाँ पे आप, मैं फिजिक्स के बाद मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं शो करा ले रहा हूँ कंप्यूटर। अब देखिए इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ कंट्रोल एस से, पहले से मैं इसको सेव करके रखा हूँ इस वजह से मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको, तो ये इसका आउटपुट अवेलेबल है। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, जो मैं तीसरा वाला भी बनाया हूँ वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो जिस पर मैं क्लिक करूँगा वो सारा देखिए हमारा इस पर चेक हो जा रहा है। तो यही हमारा है चेकबॉक्स कंट्रोल। रेडियो बटन आपके चेक बॉक्स के जैसा ही होता है लेकिन इसका एक ये फीचर होता है आपका, केवल और केवल वन ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको रेडियो बटन का यूज़ आप करोगे। सब कुछ आपका वही रहेगा लेकिन इसका टाइप एट्रीब्यूट जो रहेगा वो रेडियो कहलाएगा, ठीक है। इनपुट टैग ही से आप इस्तेमाल करोगे लेकिन उसका टाइप एट्रीब्यूट जो रहेगा वो रेडियो हो जाएगा। इसलिए आइए देखिए इसको, आप रेडियो बटन आप यूज़ करते हो केवल और केवल वन ऑप्शन सेलेक्शन करने के लिए। इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। ये देखिए एग्जांपल, सब कुछ हमारा वही है बट यहाँ पे जो मैं चेक बॉक्स में यूज़ कर रहा था वहाँ पे मैं रेडियो बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका देखिए आउटपुट क्या रहेगा, जब भी मैं इसको रन कराऊँगा तो इसका आउटपुट ये देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे कि आप केवल और केवल दो में से केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्शन कर सकते हो, या जितना भी आपके यहाँ पे ऑप्शन च्वाइस की रहोगे केवल और केवल एक च्वाइस करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपना कोई फॉर्म बना रहे हो, वहाँ पे केवल और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ही च्वाइस करना है, तो वहाँ पे चार छः में ऑप्शनल दे दिया उसमें से एक च्वाइस करना, तो वहाँ पर आप ये रेडियो बटन का यूज़ आप कर सकते हो। अगला है आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स। अगर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है तो आप
ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करेंगे। मींस ड्रॉप डाउन को आप सिलेक्शन बॉक्स भी बोलते हैं। मींस अगर एक लिस्ट आपका तैयार होगा उसमें ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे, कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स का यूज़ आप करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म आप फिलअप किए हैं, वहाँ पर आपको सेंटर च्वाइस करना है आपका, तो वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स का यूज़ करते हैं, ढेर सारे आपके ऑप्शन शो हो जाएंगे और वहाँ पे केवल और केवल आप एक ही ऑप्शन आप चॉइस करते हैं। तो ये आपका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा ड्रॉप डाउन बॉक्स का। आइए मैं इसको देखता हूँ एग्जांपल के जरिए। ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म में आप यूज़ करेंगे सेलेक्ट टैग का, जो कि सेलेक्ट टैग के आप अंदर एट्रीब्यूट जो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो नेम में क्या यूज़ करें यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन, और उसके साथ साथ मैं ऑप्शन यहाँ पे आप दे रहे हैं, ऑप्शन एक एट्रीब्यूट है, सॉरी आपका ऑप्शन एक टैग है, उसके अंदर आप अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। पहले ऑप्शन के जरिए आप यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू क्या होना चाहिए मैथ, अगर ये सिलेक्शन हो तो वहाँ पे मैथ हो, शो कराने के लिए आप यहाँ पे मैथ, अगर वो सेलेक्ट किया जाए तो वहाँ पे क्या चला जाए मैथ, और ऑप्शन यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन फिर से अगेन स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन में क्या दे रहे हैं वैल्यू, अगर ये फिजिक्स को चॉइस करे तो वैल्यू क्या चला जाए आपका फिजिक्स चला जाए सर्वर के पास, और ऑप्शन आपका क्लोज। इस हिसाब से आप जितने भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतना ऑप्शन यहाँ पे आपका रहेगा। मान लीजिए मैं एक और यहीं पे बनाना चाहता हूँ, एक और मैं यहाँ पे इंसर्ट करा ले रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, यहाँ पे फिजिक्स के बाद मैं यहाँ पे कंप्यूटर रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं फिजिक्स के बाद यहाँ पे मैं कंप्यूटर रख ले रहा हूँ, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या होता है इसका आउटपुट। जी रहा इसका आउटपुट, जब मैं इसको देखिए ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारा दिखा रहा है तीन बटन, वो भी लिस्ट में, जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वो हमारा यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो जा रहा है, वो आपका यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। तो ये चीज़ें हमारा यहाँ पे शो अप कर रहा है आपके इस ड्रॉप डाउन बटन या लिस्ट के जरिए। अपलोड बॉक्स, अगर आपको इमेज वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वहाँ पे आप बनाओगे अपलोड बॉक्स। इस बनाने के लिए इसको आप इनपुट टैग का ही यूज़ आप करोगे, लेकिन जो आप टाइप एट्रीब्यूट आप वहाँ पे इस्तेमाल करें तो वो आप फाइल यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल में आप देखिए आप इनपुट टैग आप वही यूज़ कर रहे हो, टाइप में आप टाइप एट्रीब्यूट में आप यहाँ पे फाइल यूज़ करो, क्योंकि आप फाइल इंसर्ट करा रहे हो, इमेज की फाइल हो गया या कोई भी आपका जेपीजी वगैरह अलग अलग फाइल आप अपलोड करोगे, इसलिए आप यहाँ पे टाइप फाइल दे रहे हो। आप वहाँ पे जब भी कोई इमेज दे रहे हो तो वहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए और उसका फाइल अपलोड वहाँ पर होना चाहिए। मीन्स जो कोई आप इमेज दे रहे हो उसका टारगेट क्या होना चाहिए, फाइल, आपके फाइल को अपलोड करना है यहाँ पे, इसलिए आप फाइल अपलोड नाम दे रहे हो। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, आप जब इसको रन कराओगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे शो करेगा कि देखिए चूज फाइल, यहाँ पे आपका दे दिया कोई फाइल यहाँ पे चॉइस नहीं है, नो फाइल चूजन। मीन्स अगर आपका कोई फाइल सेलेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, तो आप यहाँ से कोई फाइल एक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये फाइल मैंने देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पासबुक का कोई जेपीईजी मैंने फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लिया है। तो ये बेनिफिट है आपका फाइल का। हिडन फॉर्म कंट्रोल, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई हिडन डेटा मीन्स कोई छिपाया हुआ डेटा आप सर्वर के पास भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप हिडन फॉर्म कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। आप सब कुछ आपका वही चीज़ रहेगा जो आप इनपुट टैग का यूज़ कर रहे हैं, एट्रीब्यूट इसका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हिडन। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप इनपुट टैग वही यूज़ कर रहे हैं, हिडन यहाँ पर एक ऐसा डेटा यूज़ कर रहे हैं, मीन्स एट्रीब्यूट जो आप यूज़ कर रहे हैं कि जो भी डेटा यूज़र के द्वारा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब यूज़र सबमिट करेगा तभी ये डेटा वहाँ पे मूव करेगा। तो आप यहाँ पे पेज नेम दे रहे हैं, जैसे अगर वैल्यू यहाँ पे देखिए मैं 10 दे रहा हूँ, ये एक पेज का इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि 10वें पेज पे ये अपलोड यहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे पेज नेम मैं दे रहा हूँ और ये आपका हिडन रहिए, आपको क्लाइंट को नहीं देखना चाहिए, जो यूज़र इनपुट कर रहा है उसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब वो सेंड करे या इसको जब सबमिट करे तभी ये डेटा वहाँ पे मूव करके जाए। बटन कंट्रोल बनाने के लिए मुझे इनपुट टैग का वही मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर मुझे बटन शो अप कराना है तो उसका टाइप एट्रीब्यूट जो आपका हो जाएगा वो बटन हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं एग्जांपल के जरिए कैसे मैं बनाता हूं। देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे एक ये बटन बनाने जा रहा हूँ, इसका टाइप एट्रीब्यूट हमारा सबमिट हो, जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो हमारा सबमिट हो जाए,
तो यहाँ पे नेम में क्या शो करेंगे आप, नेम में आपका सबमिट रहेगा और उसका वैल्यू भी सबमिट रहेगा, मीन्स जब मैं क्लिक करूँ तो उसमें क्या निकले, वो उसका निष्कर्ष निकले आपका सबमिट, ये डेटा को सबमिट करा रहा है और उसका टाइप भी क्या रहेगा सबमिट। अगर मुझे रीसेट करना है, डेटा को फिर से पुनः फिल कराना है, तो वहाँ पे मैं एक ऐसा बटन बनाया रहूँगा वो रीसेट करने के लिए काम आएगा, उसका टाइप एट्रीब्यूट जो मैं यूज़ करूँगा वो रीसेट का होगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। तो इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे कुछ भी जो भी डेटा आप यहाँ पे लिए रहेंगे तो केवल और केवल आपका हिडन का शो नहीं करेगा, आपका सबमिट और रीसेट बटन का शो करेगा। अभी यहाँ पे देखिए, और सबके साथ मैं कलेक्शन तो किया नहीं हूँ, इस वजह से केवल हमारा ये बटन सबमिट शो कर रहा है और रीसेट शो कर रहा है। एक और एग्जांपल देखिए इसी बटन का, अगर मुझे सबमिट बनाना है तो मैं इसका टाइप एट्रीब्यूट सबमिट यूज़ किया, तीनों वैल्यू भी और नेम भी। अगर रिसेट मुझे बना तो रिसेट मैंने यूज़ किया, और अगर मुझे ओके बनाना तो वहाँ पे ओके मैं यूज़ नहीं करूँगा, बटन में यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट हमारा क्या रहेगा, बटन रहेगा, और वो ओके यहाँ पे मैं नेम दूंगा और वैल्यू क्या रहेगा ओके। जब मैं क्लिक किया जाए तो वहाँ से वैल्यू क्या निकले, उसका ओके का वैल्यू निकले। और मैं एक ऐसा बटन बनाना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारा एक इमेज, जो मैं इमेज लगाऊंगा वो इमेज शो करेगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए, मैं इमेज यहाँ पे उसका टाइप एट्रीब्यूट मैं इमेज दिया हूँ, और नेम में क्या जाना चाहिए आपका, बट इमेज बटन जाना चाहिए, मीन्स इमेज जो आपका शो करेगा वो इमेज बटन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इमेज का, कोई भी इमेज का मैं URL यहाँ पे नहीं दिया हूँ, तो किस तरीके से देता हूँ वो बताऊँगा आपको। इमेज का URL लगाने के लिए राइट क्लिक करेंगे इमेज पर, और उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, तो आपका ये प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा, तो आपका इमेज का ऐसा कुछ बॉक्स नज़र आएगा। तो ये देखिए, इस बॉक्स में के जरिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इसका URL कॉपी करेंगे, मीन्स लोकेशन क्या है वो कॉपी कर लेंगे। तो लोकेशन मैं यहाँ से पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे इमेज का नाम चाहिए, तो ये हमारा इमेज का नाम हो गया। इमेज का नाम क्या है, 11। तो मैं इसको कॉपी किया और स्लैश लगा के यहाँ पर मैं इमेज का नाम भी पेस्ट कर दिया। अब ये भी देखूंगा उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन आपका .png है, तो png हमारा .png पहले से मैं लगा रखा हूँ, तो इसको मैं वैसे ही का वैसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा Ctrl+S से। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे ये शो करेगा, मैंने सबमिट बताया और रिसेट बताया और ओके बताया। मैं इमेज वाला देखिए, ये बटन हमारा क्या है, इमेज का बटन बना है, बहुत ज़्यादा बटन बड़ा बना है, क्योंकि मैं इसका साइज़ वगैरह नहीं दिया हूँ। साइज़ वगैरह आप CSS की मदद से देंगे, वो आगे मैं CSS वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन इसका बताऊँगा। HTML फ्रेम्स, अगर आपको कोई भी ब्राउज़र में विंडो को अलग अलग बांटना है, अलग अलग सेक्शन में बांटना है, सेपरेट सेक्शन में बांटना है, तो वहाँ पर आप फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेम आप एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, या जितने भाग में आप बांटना चाहते हैं उतने भाग में आप बांट सकते हैं। इस फ्रेम को ब्राउज़र में बांटने के लिए आप फ्रेम सेट टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब फ्रेम सेट जो आपका होता है, कलेक्शन ऑफ फ्रेम कहलाएगा फ्रेम सेट, मीन्स अलग अलग जो मैं छोटा छोटा मैं विंडो क्रिएट करूँगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक फ्रेम कहलाएगा, लेकिन ढेर सारे फ्रेम मिला के एक फ्रेम सेट तैयार होते हैं। अगर मुझे अपने फ्रेम को विंडोज़ बांटना है रो वाइज या कॉलम वाइज, वहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, रो या कॉलम एट्रीब्यूट मैं वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा एट्रीब्यूट के तौर पे। मुझे रो वाइज में बांटना है या कॉलम वाइज में बांटना है, तो वहाँ पे मैं रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। अगर मुझे फ्रेम सेट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ये हमारा यूज़ जो रहेगा वो बॉडी के अंदर यूज़ होगा। फ्रेम सेट को आप डिफाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम में, या आप चाहें वर्टिकल फ्रेम में इसको डिफाइन करना, तो दोनों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के जरिए मैं देखता हूँ इसको किस तरीके से आप एलोकेट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पे फ्रेम सेट यूज़ कर रहे हैं इसलिए आप ये फ्रेम सेट इस्तेमाल करेंगे। जब भी मुझे अगर फ्रेम सेट तैयार करना होगा, तो बॉडी के बाहर हमारा ये हेड सेक्शन में आप इसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि बॉडी में अगर फ्रेम आपका सपोर्ट नहीं करता, तो वैसा मैसेज वहाँ पे अगर शो कराना चाहते हो तो आपका बॉडी में शो करेगा। तो आइए देखते हैं, ये आपका हेड के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, हेड के जस्ट यहाँ पे जो हेड आप स्टार्ट कर रहे हैं, हेड के जस्ट आपका बाद यहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपका देखिए
फ्रेम सेट यहाँ पे टैग आप यूज़ कर रहे हैं, रो वाइज में आप इसको बांट रहे हैं, तो आपका 10%, 80% और 10% में आप इसको तीन भागों में अलग अलग बांट रहे हैं। इसके बाद आप तीन इसको नाम भी दे रहे हैं, जो आपका नाम एट्रीब्यूट आप यूज़ कर रहे हैं टॉप, मेन और बॉटम। तो जो आपका 80% वाला है वो मेन है, आप फ्रेम ही यूज़ यहाँ पे कर रहे हो, फ्रेम के अंदर आप यहाँ पे जो आपका अलग अलग, जैसे एक ये आपका विंडो हो जाएगा, दूसरा विंडो ये हो जाएगा, तीसरा विंडो ये हो जाएगा, तीनों विंडो मिला के आपका कंप्लीट एक फ्रेम सेट तैयार हो रहा है। इसके बाद फ्रेम सेट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे आप नो फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं। नो फ्रेम का मतलब यहाँ पे इसके बाद आपका कोई फ्रेम नहीं रहेगा। फिर इसके बाद आप बॉडी टैग आप यूज़ कर रहे हैं, अगर ये फ्रेम सपोर्ट नहीं करता है आपके ब्राउज़र में तो आप ये मैसेज देगा कि आपके ब्राउज़र फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद नो फ्रेम टैग को आप यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद आप फ्रेम सेट टैग को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आपका कंप्लीट कोडिंग हो जाएगा। अब ये देखिए आपका SRC जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन का ये आपका यहाँ पे URL है। URL आपको मिलेगा कहाँ पे, जब भी कोई आप कोडिंग रन कराते हैं, जैसे देखिए मैं ये कोडिंग यहाँ पे रन कराया हूँ, तो ये हमारा देखिए पहले का इमेज वगैरह का कोडिंग ये है, तो इसका URL मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखिए हमारा URL ऊपर है, इसको मैं कॉपी कर लिया Ctrl+C से और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं इस फॉर्म में। दूसरा URL मैं फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। दूसरा URL देखिए मैं ये लिस्ट का मान ले रहा हूँ, मैं इस पर कॉपी किया Ctrl+A और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब आप पेस्ट कर देंगे तो आपको ये पूरा विंडो यहाँ पे शो अप कर देगा। अगला आपका देखिए यहाँ पे एक और है, एक और आप विंडो बनाने के लिए एक और कॉपी कर लीजिए, लिस्ट का मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको Ctrl+S से सेव कर लीजिए और इसका आउटपुट देखिए क्या शो करता है। आपका ये जो फ्रेम तीन आप बनाए हैं, आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए तो ये देखिए सबसे पहला हमारा जो इमेज लगाया थी वो, दूसरा आपका लिस्ट वाला और तीसरा आपका यहाँ पे ये फ्रेम। अब इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं यहाँ से, अब इसको आप ड्रैग करते हुए आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारा कौन सा फ्रेम कहाँ पे है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ये शो अप कर रहा था, ये ऊपर देखिए 10%, बीच का आपका 80%, फिर लास्ट का आपका 10% शो कर रहा है। आप इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। अगर मुझे नेस्टेड फ्रेम बनाना है तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप फ्रेम सेट के अंदर एक और फ्रेम सेट आप तैयार करेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेम सेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेम सेट यहाँ पे रो मैं यूज़ कर रहा हूँ 50-50, मीन सबसे पहले 50-50 में दो बढ़ जाए और दूसरा जो आपका बटे फिर से मैं जो पहला 50 वाला हो ये आपका एक इमेज आ जाए, दूसरा मैं उसके अंदर फिर मैं बांट रहा हूँ यहाँ पे और उसके अंदर का जो इमेज हमारा बटे एक 25 का हो, एक 75 का हो, तो इस हिसाब से हमारे एक के अंदर एक तीन अवेलेबल मिलेगा, मीन्स तीन आपका विंडो वहाँ पे मिलेगा जो कि नेक्स्टेड होगा, एक के अंदर एक होगा। आइए इसका मैं URL यहाँ पे पहले पेस्ट कर लीजिए। देखिए अभी तो URL मैं पेस्ट नहीं किया, तो इसका आउटपुट कैसा दिखेगा ये भी देख लीजिए आप। तो इसका आउटपुट ये देखिएगा, पहला ये रहा आपका 50, दूसरा ये रहा पूरा 50, 50 के अंदर आपका ये 25 रहा, ये पूरा पार्ट आपका 25 रहा और ये आपका देखिए 75 रहा। अभी मैं यहाँ पे उसका कोई URL नहीं दिया हूँ, इस वजह से इमेज यहाँ पे या उसका विंडो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले मान लीजिए मैं पहला URL ये दे दे रहा हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से और इस पर जाके देखिए फर्स्ट वाले पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद दूसरा वाला मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से Ctrl+C सेलेक्शन करने के बाद और यहाँ पे देखिए मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद तीसरा आपका एक और है, एक और ले लीजिए आप लास्ट, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए
और लास्ट में जाके आप पेस्ट कर दीजिए इस फॉर्म पे, कंट्रोल या से सेव कर दीजिए। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या शो करता है। फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, 50% में ये इमेज शो करेगा, इधर देखिए आपका लिस्ट शो किया और इधर आपका एक टेबल शो किया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हुआ आपका नेस्टेड लिस्ट तैयार करने का, या नेस्टेड आपका फ्रेम तैयार करना चाहते हैं तो आप नेस्टेड फ्रेम इजी वे में तैयार कर सकते हैं। फ्रेम का छोटा भाई आपका आई फ्रेम, मीन्स अगर इनलाइन फ्रेम मुझे अगर क्रिएट करना हुआ तो वहाँ पे मैं आई फ्रेम का यूज़ करता हूँ। मीन्स एक ही डिस्प्ले पे आपका छोटा सा फ्रेम भी शो करेगा और उसमें आप अलग अलग टेक्स्ट या स्क्रॉल बटन के जरिए आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप वहाँ पे अपना मैटर या कोई और टेक्स्ट देना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे मुझे कोडिंग वगैरह आप अपने वेबसाइट पे मेंशन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप आई फ्रेम वगैरह का इस्तेमाल करोगे, जो कि आपका सबसे कम जगह लेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है और यूज़र को शो अप करा सकता है, दिखा सकता है। तो इसको बनाने के लिए आप आई फ्रेम टैग यूज़ करेंगे। आई फ्रेम में आप स्क्रीन को डालने के लिए SRC टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट इसको आप यूज़ करेंगे और इसके साथ आप URL को यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल आइए देखते हैं। तो ये देखिए इसका एग्जांपल, कोई भी मैं एक हेडिंग ले लिया आई फ्रेम का, डाल दिया वैसे ही, और पैराग्राफ में मैं ये बता रहा हूँ कि आपका आई फ्रेम यहाँ पे एक रहेगा, टेक्स्ट वगैरह मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए आई फ्रेम मैं यूज़ किया यहाँ पे और SRC में स्क्रीन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। स्क्रीन की जो आपका हाइट रहेगा 200 और वेट जो रहेगा 300, आई फ्रेम आपका क्लोज। और ये जो आपका है SRC मीन्स इमेज की स्क्रीन, तो कोई भी इमेज मैं यहाँ पे आपका वेब पेज का जो URL आपका शो कर रहा है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ। अगर जब तक मैं पेस्ट नहीं करूँगा, देखिए हमारा कैसा शो करेगा, ये भी देख लीजिए यहाँ पे आप। तो ये आपका रिजल्ट कुछ ऐसा देखेगा और ये आपका मैटर देखिए। तो इस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कोई अपना इमेज, जैसे मैं देखिए इसको ले ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे ले जाके मैं देखिए इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस पोर्शन पे जो आपका डिस्प्ले दिख रहा है इस पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं Ctrl+S से सेव कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, आई फ्रेम को मैं रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए हमारा इमेज भी यहाँ पे शो कर दिया। अब इसमें आपका स्क्रॉलिंग देखिए दे दिया। सबसे बेस्ट तरीका है कि लॉन्ग या लंबा डेटा अगर आप या कोई कोडिंग वगैरह यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट फ्रेम और फॉर्म का एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। सारा का सारा डेटा आपका इंग्लिश व हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। आपको इजी वे में लगा आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आप हो तो मुझे आप कमेंट के जरिए या कॉल के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।